सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, ऐसा तो आपने कई बार ही सुना होगा कि ये फ़ोन जो है वो चलता फिरता पावर बैंक है, ये फ़ोन जो है वो चलता फिरता पावर बैंक है, क्योंकि उसके अंदर 5,000 mAh की बैटरी होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ जो चलता फिरता पावर बैंक तो है, लेकिन पावर बैंक के बाद वो फ़ोन भी है। मतलब कि कॉम्पिटिशन में दोस्तों ऐसी ऐसी उल जलूल हरकतें कर देती हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ कि एक तमाशा बना देती हैं, एक ऐसा अजीब सा प्रोडक्ट बना के मार्केट के अंदर लॉन्च करने की सोचती हैं और एक्सपेक्ट भी करती हैं कि वो प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर चल जाएगा। आज ऐसे ही एक फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूं। आपने एनर्जाइजर जो है कंपनी, उसका नाम तो सुना ही होगा, जो कि नॉर्मल जो इससे पहले जो बैटरीज बनाते थे और बैटरी उसकी हमेशा ऐसा एक ऐड आता था कि नॉर्मल एल्कलाइन बैटरी से हमारी बैटरी जो है 10 times ज़्यादा चलती है। तो ऐसा अपनी USP को दिखाने के लिए उन्होंने सोचा कि यार हम फ़ोन भी कुछ ऐसा बनाते हैं कि जो नॉर्मल फ़ोन के मुकाबले 10 times 20 times ज़्यादा चल जाए। तो ऐसा उन्होंने फ़ोन जो है मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। 18,000 mAh की बैटरी वाला ये फ़ोन है, जिसमें उनका दावा है कि एक हफ्ते तक ये फ़ोन आराम से चलेगा, 48 घंटे तक आप रेगुलर मतलब कॉन्टिन्यूस के अंदर वीडियो देख सकते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो इस महान फ़ोन के बारे में तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले बात कर लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसमें आपको 6.2 inch का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। जो वेरिएंट है वो है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला। और हाँ, इस स्टोरेज को आप 128GB और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो दो सिम लगाने के बाद अलग से मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा पाएंगे। तीसरी बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की, तो हीलियो का P70 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर मालिका G72 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो ठीक ठाक गेमिंग इसके अंदर हो सकती है, लेकिन गेमिंग करते करते कहीं हाथ में आपके दर्द ना हो जाए, मतलब कि प्लास्टर वगैरह ना बन जाए, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। कैमरे की बात करते हैं तो 5 कैमरा इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। रियर में 3 कैमरा मिलेंगे, फ्रंट में आपको 2 कैमरा मिलने वाले हैं। सेल्फी की अगर बात करते हैं तो 16 MP प्लस 2 MP आपको कैमरा मिलेगा, 2 MP का आपको डेप्थ के लिए दे दिया है। और रियर की अगर बात करें तो 12 MP प्लस 5 MP प्लस 2 MP, तो 2 MP कैमरा उसमें भी आपको डेप्थ के लिए मिलने वाला है। तो ये कैमरा सेटअप आपको मिल जाएगा, पॉपअप सेल्फी आपको मिल जाएगी, मतलब बटन दबाते ही ऊपर जो है वो आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं उस मजाक की जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, 18,000 mAh की जो बैटरी है वो जो है, अगर आप ये एक फ़ोन, दो फ़ोन, इसके बाद में तीसरा फ़ोन भी इसके अंदर जोड़ दूंगा ना, तभी तीनों फ़ोन मिलके भी उसके मुकाबले स्लिम रहेंगे। इतना मोटा वो फ़ोन इन्होंने बना दिया है बैटरी के चक्कर में, 30 mm से भी ज़्यादा, मतलब 1.25 inch के आसपास ये फ़ोन मोटा होने वाला है। मतलब कि आप ये समझ के चलिए कि तकरीबन इतना मोटा फ़ोन ये, मैं अभी आपको पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ कि इतना मोटा फ़ोन ये होने वाला है। अगर आप इसको उठाएंगे, जेब में रखेंगे, तो जेब भी आपकी फट सकती है। इस जेब में आप डालेंगे तो लोग कहेंगे भाई ये ईंट लेके कहाँ पर जा रहा है, किसी से कुछ लड़ाई वड़ाई होगी क्या? तो ऐसा भी मतलब कि हो सकता है आपके साथ। फ़ोन का प्राइस जो है वो तकरीबन 45,000 रुपये के आसपास है। आई डोंट नो वाई लोग इस फ़ोन को खरीदेंगे, और एनर्जाइजर कंपनी ने सिर्फ इस चीज़ को साबित करने के लिए कि हाँ हमारा बैटरी बैकअप जो है वो अच्छा होता है, तो ये ईट बना के लोगों को दे दी है और इसको लॉन्च भी कर दिया पूरे धमाके के साथ। और इतना ज़्यादा स्पेस होने के बाद भी ना इनका दिमाग जो है वो 3.5 mm का जैक जो है वो देना भूल चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर इवन आपको 3.5 inch का जैक नहीं मिलता है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि आप एक हफ्ते तक ऑडियो सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, दूसरी तरफ ये 3.5 inch का जैक जो है नॉर्मल चीज़ देना भूल गए हैं। हालांकि ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। पता नहीं भैया क्या क्या मोबाइल के अंदर होने वाला है। 2019 जो है वो फोल्डेबल फ़ोन की तरफ जा रहा है, टैबलेट की तरफ जा रहा है। वहाँ पर एनर्जाइजर जो सोच रहा है वो ये सोच रहा है कि अभी मैं इतना मोटा फ़ोन देने वाला हूँ, थोड़ी देर में इतना दूंगा, और शायद आने वाले टाइम में दोबारा से हमारे को लेके जाने वाले हैं उस ज़माने में जब जो है बड़े बड़े मतलब हार्ड ड्राइव्स आते थे, उनको लेके जाते थे। तो अब फ़ोन दोबारा से लगता है हमारे को याद दिलाने वाले हैं कि भाई फ़ोन तुम थोड़ा सा कैसे यूज़ करते हो, बड़े बड़े फ़ोन जो है वापस दोबारा लेके आने वाले हैं। सो दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी को तो दूर से ही क्रॉस मार देना चाहिए, क्योंकि 18,000 mAh की बैटरी ऐसी नहीं चाहिए। 5,000 mAh की बैटरी बहुत होती है, और 8-8 घंटे चार्जिंग का किसी के पास आज की तारीख में टाइम भी नहीं है। तो वूक चार्जिंग का टाइम आ चुका है, जो कि मतलब 40-45 मिनट में आपका फ़ोन पूरा चार्ज कर देते हैं। तो ऐसे में 8 घंटे इज़ अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। मेरी तरफ से तो इस फ़ोन को बिल्कुल मना है 45,000 रुपये के आसपास वेस्ट करना। ब्रांड भी मुझे ऐसा कुछ अभी इसमें नहीं लग रहा, बैटरी बेचे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ ढंग का आएगा तो ज़रूर आपको बताऊँगा। दोस्तों, ये था मेरा अपना ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप देख सकते हैं 48 घंटे तक लगातार वीडियो, तो फ़ोन आप ले सकते हैं। 48 घंटे मतलब कि ठीक है, सरदर्द की दवाई अपने साथ रख लेना अगर आप 48 घंटे तक वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज़ और इस फ़ोन को झेल सकते हैं 48 घंटे तक। और अगर आप पार्टीज़ में दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे पास है एक ज़बरदस्त फ़ोन जिसको अगर कोई लड़ाई होगी तो मैं मार के सर भी फोड़ सकता हूँ, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं।
अदरवाइज 45,000 रुपीज़ वेस्ट करने के अलावा बहुत सारे फ़ोन ऐसे अवेलेबल है जिसमें हीलियो P70 का जो प्रोसेसर है वो 10,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा, और 10,000 mAh का जो पावर बैंक है जो बड़े आराम से आप खरीद सकते हैं 1,000 रुपये के आसपास में। तो ये मेरे अपने ओपिनियन थे इस फ़ोन के बारे में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा, जहाँ पर मिलते हैं आपको डेली टेक वीडियोस। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।